चारू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। राजेंद्र नगर में दो दिन पहले यानी 27 जुलाई को हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई, जिसके चलते कोचिंग के बाकी विद्यार्थी धरने पर बैठकर इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। आइए जानते हैं आगे की जानकारी हमारे संवाददाता लोकेश से, जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहीं पे कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सर, यहाँ पे क्या चल रहा है, धरना कब से है? परसों रात से हम धरना कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे राव आईएएस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारे 3 दोस्तों की हत्या हो गई है। हम हत्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी नीचे बेसमेंट, यहाँ पे 2 बेसमेंट है, एक B1 है, नीचे B2 बेसमेंट है। तो B2 बेसमेंट में इन्होंने लाइब्रेरी चला रखी है, जिसकी कैपेसिटी 100 से 120। जब बहुत तेज पानी आया था तो सारे बच्चे अंदर ही फंस चुके थे। उसमें से ये लोग ऑफिशियली बोल रहे हैं कि 3 बच्चे मरे, बट हमारे एस्टिमेट के हिसाब से कम से कम 7 से 10 बच्चे मरे। ऑफिशियल फिगर छुपाया जा रहा है। तो हमारे वही डिमांड है, परसों रात में यहीं पे है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, हम यहीं पे। हर्षवर्धन DCP जो यहाँ के है, हर्षवर्धन सर, उनको दिया था और यही 6 डिमांड में हम अभी तक टिके हुए हैं। वो 6 डिमांड क्या है? देखिए, हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि आया जाए, बिकॉज जो ये नंबर वो बोल रहे हैं, हमने आपको पहली बात, वो नंबर गलत है। 3 लोग नहीं है, 3 से ज्यादा लोग है, अधिक लोग है। पहली बात ये है। दूसरा, CCTV फुटेज ये लोग आउट करे। ये क्लेम कर रहे हैं कि CCTV फुटेज बारिश की वजह से खराब हो चुका है। अगर CCTV फुटेज खराब भी हो चुका है तो उसके बाद भी जो पहले का फुटेज है वहां तक दे, जब तक पानी भरा है। तो पहला डिमांड तो हमारा वही है कि नंबर ऑफ डेथ टोल्स बताए। दूसरा, हमारा के परिवार को 1 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए, ये सेकंड डिमांड है। थर्ड डिमांड हमारा है, जितने भी यहाँ पे बेसमेंट में कोचिंग है या फिर लाइब्रेरीज है, या तो उनको बंद करें। बंद करना अगर वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे रेगुलेशन लाए। एक ही एग्जिट है, एग्जिट और एंट्री का एक ही पॉइंट है। अगर यहाँ भूकंप आ जाता है, आग लग जाती है या पानी वाली कोई विपदा की सिचुएशन आती है, बच्चे निकलेंगे कैसे? तो ये लाइब्रेरी में रेगुलेशन। हमारा चौथा पॉइंट ये है कि MCD के जो चीफ है और पुलिस प्रशासन है जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पांचवा हमारा डिमांड है कि जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जो साइन किया, जो ऑफिसर्स हैं, उन पे लीगल एक्शन हो और उन पे कार्रवाई हो। और लास्ट एंड फाइनल डिमांड है जो इलेक्ट्रिसिटी के, जो यहाँ जितने भी बोर्ड्स है, जो खुले वायर्स है, उनको ध्यान दिया जाए। बिकॉज पिछले लास्ट वीक क्या हुआ है, हमारे साथ के एक दोस्त नीरज राय है जो UPSC एस्पिरेंट थे, उनकी हत्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, आयरन पोल से टच हो गया, इलेक्ट्रिक्यूशन से उनकी डेथ हुई है। क्यों? कारण यही है, फिर भी MCD जागी नहीं। तो इस आपके इस धरने पे पुलिस का क्या रवैया है? कल पुलिस ऐसे तो जब हम शांति प्रदर्शन कर रहे तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। परसों कल हमने वो करोल बाग का मेन रोड ब्लॉक कर दिया था, तो उस टाइम पुलिस ने हमें मैन हैंडल किया था, हमें जबरदस्ती खींचा था सारे स्टूडेंट को। हमारे साथ के दोस्त जिनका शर्ट फटा है, जिनको चोटें लगी है, पुलिस थाने भी लेके गई थी कुछ बच्चों को रात में, बाद में छोड़ दिया था। यहाँ पे किसी नेता का, किसी विधायक का, कोई यहाँ पे मंत्री या कोई सरकार से कोई यहाँ पे आया है? नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं है। नहीं, सुबह से आतिशी मैम कल आई थी और कुछ नेता आ रहे, बट हम इसको पॉलिटिकल निकल, यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के आए थे वो आए थे, बट हम उनका मुद्दा ही रखना चाहते हैं, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। आप इसके लिए किसको दोषी ठहरा रहे हैं? मल्टीपल दोषी है सर, एक जन नहीं है। MCD दोषी है, यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूशन दोषी है। किसी की साइड से कोई बयान आया है? राव आईएएस ने आज सुबह एक प्रेस नोट निकाला था, उस प्रेस नोट में ना उन्होंने माफी मांगी, ना उन्होंने कॉम्पनसेशन अमाउंट के बारे में कुछ बात की, कोई बात नहीं है। उन्होंने बस एक दुख जताया है परिवार के प्रति, बस इतना ही। कॉन्डोलेंस अपने दिए, उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन अमाउंट की बात नहीं की, माफी तक नहीं मांगी गई है। ये राव का तो ये धरना आगे कब तक और चल सकता है? आज एलजी साहब आए थे बट उन्होंने हमसे बात नहीं की। उन्होंने पुलिस ने आज बहुत चालाकी से 5 बच्चे हमारे लेके गए, उनसे LG साहब ने बात की। हमारा ये था कि सारे बच्चे जहाँ हैं वहाँ LG साहब आए और सबसे बात करे, सिर्फ 5 लोगों से, चुनिंदा बच्चों से नहीं बात करे। LG साहब आए, उन 5 बच्चों से उन्होंने बात की और चले गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चों में गुस्सा बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। सरकार के यहाँ पे नेता आ रहे हैं, कल यहाँ पे मंत्री आतिशी आई थी, लेकिन उन्होंने बच्चों से कोई बात नहीं की। आज सुबह राव IAS ने एक प्रेस नोट निकाला और उसमें भी माफीनामा नहीं था, ना ही कोई कंपनसेशन की बात की गई है। इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट श्रुति मौजूद है, जो अपनी कुछ डिमांड्स रखना चाहती है मीडिया के थ्रू। तो मैम, आपकी क्या डिमांड्स है, क्या मैसेज देना चाहती हैं? फर्स्ट, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी राउस है इसमें इंसिडेंट हुआ है, उस पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हमें राउस को कैमरा फुटेज क्या मीडिया के साथ शेयर किया है? नहीं किया, तो उनको अपना फुटेज दिखाना चाहिए कि उसके उस टाइम पे जब इंसिडेंट जस्ट बिफोर लाइब्रेरी में कितने बच्चे थे, कितने बच्चों को निकाला गया। एंड द सेकेंड,
स्टाफ इतने ज्यादा है कि अगर 20 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं तो 10 बच्चे ऐसे जिनको उन्होंने बाइट करके रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी माइनर इश्यूज तो आप छोड़ दो, यहाँ पे जो भी मेजर इश्यूज है उन पे गवर्नमेंट को फोकस करके इवन उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। आपने कहा कि अभी भी कुछ तारे यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई हैं, इसका मतलब इस हादसे के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली है? कुछ नहीं किया, सारे वैसे ही हैं। ये तो सिर्फ आप इतना ही दिखाओ, आर एन और भी अंदर जाके देखो, सारा वैसे ही के वैसे ही है। पानी वाटर लॉगिंग भी साइड साइड में आपको दिख जाएगा। तो अभी तो सिर्फ ये मेन पॉइंट पे क्लीन किया जा रहा है, अंदर तो सारी चीजें वैसे ही है। इवन लाइब्रेरीज भी जो टेम्पररी बेसिस पे बंद हुई है, उन्होंने ऐसे पोस्टर अपना हटा दिया, सिर्फ लॉक लगा दिया। तो वो मुझे ऐसा लगता है एक दो महीने बाद वो सब खुल जाएंगी ये चीजें। तो गवर्नमेंट को ऐसा मेजर्स लेने चाहिए कि बेसमेंट के अंदर कोई भी लाइब्रेरीज नहीं हो। आप ORN में यहाँ पे कितने साल से हैं, कितने साल से आप स्टडी कर रही हैं? मैं यहाँ पे 2.5 साल से हूँ, 2.5-3 साल। तो पिछले 2.5 सालों में ऐसा कोई इंसिडेंट और आपकी आंखों के सामने आया, ऐसा पहला इंसिडेंट था? ये तो ऐसे मेजर पहला ही इंसिडेंट था, बाकी अभी इतना ऐसा कोई एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में है। यहाँ पे बहुत सारी आप इवन ORN के अंदर 95% ऐसी लाइब्रेरी आते हैं, हर दो घर के बाद एक बेसमेंट में लाइब्रेरी है। जो बच्चे जाते हैं उनका एंट्री गेट बहुत ही नैरो होता है, कोई एग्जिट का पॉइंट नहीं होता, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, और सिर्फ हमें चेयर पे बैठने का वहाँ पे 2 से 2.5 हज़ार इवन 4-4 हज़ार रुपये बच्चे पे करते हैं। तो रेंट का लेके लाइब्रेरी पे कितने पैसे देने, इस चीज़ पे एक मेजर होना चाहिए कि किस बेसिस पे तुम रेंट बना रहे हो। लाइक ये यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं, यहाँ पे जितने भी ये लैंडलॉर्ड्स हैं, इनका एक माफिया है, जैसे कोचिंग माफिया बोल रहे हो ना, वहाँ यहाँ पे भी वैसा ही सीन है। वो डिसाइड करते हैं कि रेंट कितना लेना है, अगर वो थोड़ा सा कुछ रिनोवेट कर दिए तो वो 2,000 बढ़ाएंगे, वो कुछ थोड़ा सा कि तुम्हारे रूम में तो बालकनी अटैच है तो हम 5,000 ज्यादा लेंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा सीन है, यहाँ ऐसी मनमानी चली। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो MCD का जो भी ये सीवेज का क्लीनिंग आप देख सकते हो, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है सीवेज का क्लीनिंग, मानसून से पहले तो कुछ नहीं हुआ था, कोई प्रिपरेशन नहीं था। इवन यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है ना, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है ORN के अंदर, अंदर में बहुत ही, और अंदर में वायर्स बहुत ज्यादा है। जैसे पटेल नगर में एक बच्चे की डेथ हो गई, तो यहाँ पे और भी बहुत सारा करंट के ऐसे वायर्स है। और मेरा अभी यहाँ पे ये भी इश्यूज है, जो उनकी डेड बॉडीज है वो फैमिली को टेक ओवर किया जाए, एंड द लास्ट जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर्स हैं जो IAS IPS बन के जो गए हुए, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट अस सर, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस भी स्टेट में हो, जहाँ से भी हो, प्लीज हमें सपोर्ट करें, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा बच्चों में गुस्सा बहुत भरा हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज अभी तक फैमिलीज को नहीं मिली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डेड बॉडीज को RML हॉस्पिटल में भिजवाया गया था, उसके बाद से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कि श्रुति ने हमें बताए, आगे भी हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल में यहाँ पे और इस मामले की तह तक, गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, लोग किसी की सुनना नहीं चाहते, पुलिस से कोई बातचीत नहीं करना चाहते, लोग यहाँ पे वंदे मातरम के, भारत माता की जय नारे लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए मामला बहुत गर्म है, लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे जाके खबर, यहाँ पे लोगों के फोटेज में दिखा जा रहा है, पोस्टर्स लेके बैठे हैं, इस पे लिखा हुआ V1 CCTV फोटेज। इससे साफ जाहिर होता है कि राव IAS स्टडी सेंटर ने CCTV फोटेज प्रोवाइड नहीं की है। ये लोग वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, इनसे किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बच्चों का एक और समूह यहाँ पर जमीन पर धरना देने के लिए बैठ गया है रोड पे, और यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि स्ट्राइक और कितनी देर चलेगी। बच्चों का गुस्सा, आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों में बहुत तेज गुस्सा है सरकार के खिलाफ, MCD के खिलाफ। ये किसी एक इंसान को या किसी एक संस्था को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, ये चाह रहे हैं, ना ही राव स्टडी सेंटर की तरफ से कोई माफीनामा आ रहा है, ना ही सरकार कुछ कह रही है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई फैसला आए। जहाँ तक अभी हमें दिखाई दे रहा है कोई आसार नहीं है, कोई फैसला, ना राव स्टडी सेंटर की साइड से कोई माफीनामा आ रहा है, और ना ही सरकार इस पे कोई चुप्पी तोड़ रही है।
हम इसको कवर कर रहे हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए भारत न्यूज टीवी पे। मैं लोकेश सिंह, कैमरा मैन पूनम के साथ।